बेस्ट ये है सिंगापुर, दुनिया का चौथा सबसे अमीर कंट्री, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल हब और दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री सिंगापुर। यहाँ के लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, हेल्दी और प्रोडक्टिव माने जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले की बात करें तो 1965 में जब मलेशिया ने सिंगापुर को खुद से अलग किया तो उस वक्त सिंगापुर की 80% आबादी गरीबी का शिकार थी और 70% लोग गरीब बस्तियों में रहते थे। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी कि लोग चंद पैसों के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार होते थे और ऐसा लगता था कि ये गरीबी, वायलेंस और करप्शन ही सिंगापुर का भाग्य है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? ये छोटा सा आइलैंड आज इतना अमीर और रहने के लिए दुनिया का सेफेस्ट कंट्री कैसे बन गया? दोस्तों, आज हम आपको सिंगापुर की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के बारे में बताएंगे कि कैसे एक आदमी ने पूरी कंट्री को बदल दिया। 19वीं सदी में एक बहुत ही शक्तिशाली कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी और पूरी दुनिया की 20% आबादी उसकी जमीन पर रहती थी। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी पूरी दुनिया में समंदर के जरिए ट्रेड करती थी और यहीं से वह अपना सारा प्रॉफिट करती थी। उस समय में इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल चाइनीज टी था। इस टी को खरीदने के लिए कंपनी को बहुत सारा ऑपियम बेचना पड़ता था, वो ऑपियम जो ये नॉर्थ इंडिया में उगाती थी। इस कंपनी का सारा ट्रेड इस छोटी सी जगह से होकर गुजरता था जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है। कुछ ही सालों में ये कॉरिडोर इस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रूट बन गया जिससे इसका 50% रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन सारे रूट को सेफ बनाने के लिए यहाँ पर इस कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस मकसद को पूरा करने के लिए सर थॉमस रैफल्स ने उस छोटे से आइलैंड पर एक पोर्ट बनाया जो आगे चलकर दुनिया में सिंगापुर के नाम से पहचाना जाने वाला था। और एक जबरदस्त चीज ये की गई कि इस पोर्ट को फ्री पोर्ट बनाया गया, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं था। इस जबरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से ये बंदरगाह बहुत जल्द दुनिया के तमाम ट्रेडर्स की नजर में आ गया। अब हर वक्त यहाँ पर हजारों शिप्स आना शुरू हो गए और चाइना से लेकर इंडिया और यूरोप तक तमाम समुद्री जहाज इस पोर्ट से होकर गुजरने लगे। 1867 में ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन चुका था। दुनिया में इस छोटे से आइलैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, लेकिन दूसरी तरफ हकूमती कंट्रोल न होने की वजह से सिंगापुर ओपियम, प्रोस्टिट्यूशन और जुए का अड्डा भी बन गया। इसी दौरान 1941 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया की यह जगह एक खंडर बनकर रह गई। ब्रिटेन ने इस सारे अरसे में सिंगापुर की कोई खास मदद नहीं की और लोकल्स में इन सब के नतीजे में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। इसी समय वो आदमी सामने आया जो सिंगापुर का भाग्य बदलने वाला था। उसका नाम था ली क्वान यू, जो एक लॉयर था जिसने 1955 में पीपल एक्शन पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसी साल होने वाले लोकल इलेक्शंस में चंद सीट्स भी हासिल कर ली और बहुत जल्द ही वह लोगों में काफी फेमस भी हो गया। और फिर 1950 में वह मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उस टाइम मलेशिया और सिंगापुर एक ही कंट्री होते थे जिसे मलेशिया कहा जाता था। ली के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ सिर्फ 3 ही साल बाद मलेशिया सिंगापुर से अलग हो गया। इसकी वजह यही एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड थे जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट 1947 में डिवाइड हुआ था। इस बंटवारे के बाद ली के मुश्किलात बहुत बढ़ गई। उसके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, तालीम नहीं थी और रहने को घर नहीं थे। ली अपनी कौम को इस दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी सख्ती क्यों न करनी पड़े। सबसे पहले ली की गवर्नमेंट ने सोशल अनरेस्ट को खत्म करने के लिए फ्री स्पीच को बैन किया। प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने और ड्रग यूज करने वालों को खौफनाक सजाएं दी गई। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उस पर केस कर दिया गया।
यहाँ तक कि च्युइंगम फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाए दी जाती थी। सुनने में तो ये काफी सख्त लग रहा था, लेकिन इन सब के जबरदस्त रिजल्ट आना शुरू हो गए। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होना शुरू हो गए। ली का भी यही ख्याल था कि जब तक लोगों को खुशहाली मिलेगी उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होगी, लेकिन ये तो अभी एक शुरुआत थी। सिंगापुर का उस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिक मसला था हाउसिंग, यानी रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% लोग कच्ची आबादियों में रहते थे। ली ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ बनाया जिसके मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती थी। इस जमीन को खरीदकर गवर्नमेंट ने सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सके इसीलिए एक रूल पास किया गया जिसमें हर किसी की सैलरी में से 25% काट कर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सेव किया जाता और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती, और इस तरह से ये 50% सेविंग हर व्यक्ति की जमा होती गई और लोगों ने कुछ ही टाइम में घर खरीदना शुरू कर दिए। आज भी 80% सिंगापुरियंस उन घरों में रहते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए थे। हाउसिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला था जॉब्स। सिंगापुर के पास ना कोई नेचुरल रिसोर्स था और ना ही कोई पड़ोसी देश उससे ट्रेड करना चाहता था। ली यह समझ चुका था कि जॉब क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसी को देखते हुए टैक्सेस लो कर दिए गए और रेगुलेशंस तकरीबन खत्म कर दिए गए। बल्कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि बाहर से आने वाले किसी कंपनी से पहले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फॉरेन कंपनी सिंगापुर में आना शुरू हो गई और कुछ ही सालों में बड़ी बड़ी कंपनी अपने हेड ऑफिस सिंगापुर में खोलने में लग पड़ी। लगभग 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गई और ग्रोथ रेट 30% तक पहुंच गया। दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में करप्शन के लिए सख्त लॉ इंट्रोड्यूस करवाए गए। करप्शन के जुर्म में फांसी की सजा दी गई और दूसरी ही तरफ सरकारी अफसरों की सैलरी 10 गुना बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी सैलरी नहीं जितनी सिंगापुर में, और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज सिंगापुर पूरी दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ज्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर आसानी से इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा ली ये जानता था कि उसका सबसे कीमती रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल, और उसी को डेवलप करने के लिए उसने टेक्निकल स्कूल बनाए और फॉरेन कंपनी को भारी कीमत अदा की कि वो सिंगापुर आकर लोकल लोगों को ट्रेन करे। इसके नतीजे में सिंगापुर की वर्कफोर्स दुनिया की सबसे मेहनती वर्कफोर्स बन गई। ज्यादा लोग पैसा कमाना शुरू हो गए, मतलब सरकार के लिए पेंशन फंड में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया, और वही पैसा सरकार ने लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। स्टेट ऑफ द हार्ट हॉस्पिटल बनना शुरू हो गए। रोड, बिल्डिंग, स्कूल्स पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया, और इसी का नतीजा है कि आज सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त है, और उसके एजुकेशन का ये लेवल है कि सिंगापुर के स्टूडेंट ग्लोबली होने वाले टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर करते हैं। 1980 के बाद से सिंगापुर में तमाम मार्केट में अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर दी, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, एडवांस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट्स, शिप बिल्डिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा भी कई सारी इंडस्ट्रीज। और आज की डेट में सिंगापुर दुनिया का तीसरा बड़ा पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंट्री बन चुका है। सिंगापुर अब दुनिया के अमीर कंट्रीज में गिना जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट सिंगापुर के पास है। यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। सिंगापुर की तरक्की असल में एक लीडर की अपनी कौम प्रति मोहब्बत और लॉयल्टी का नतीजा है। ली की पॉलिसी शायद दुनिया की नजर में परफेक्ट ना हो, लेकिन वो सिंगापुर के लिए जरूर परफेक्ट थी। दूसरी तरफ ये हाल है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल होने के बावजूद आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिंगापुर से कई साल पीछे है, और न जाने कितने साल बाद भी ये ऐसे ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इसे भी ली जैसे सिंसियर और ऑनेस्ट लीडर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।